हम सीखेंगे कि अगर आपके कीपैड या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कैसे करना है। कीपैड या स्क्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सीधा कीपैड या स्क्रीन रिप्लेस करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले अगर आपको कीपैड रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके माइनस वाले टर्मिनल से ऐसे उसको कीपैड को खींच के बाहर निकाल देंगे अच्छे से साइड से ऐसे करके, और मशीन को ऐसे खोलेंगे मशीन ओपनिंग वीडियो देखकर कीपैड को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर मशीन के अंदर ये जो है ये प्लग इन हो जाता है यहाँ पे डीपीयू में, इसको हम प्लग आउट करेंगे और यहाँ पे कीपैड को खींच के बाहर निकाल देंगे। नया कीपैड लगाकर यहाँ से वायर निकाल कर वापस लगा देंगे कीपैड और से रिप्लेस करेंगे। और अगर हमें इसकी स्क्रीन रिप्लेस करनी हो तो स्क्रीन रिप्लेस करने के लिए हम मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो वायर है इसको, ये जो स्क्रीन में जा रही है इसको हम प्लग आउट कर लेंगे। ये स्क्रीन के चार पार्ट्स हैं, इनको हम फ्लास्क से खोल लेंगे। ऐसे फ्लास्क लेकर हम इनको खोल लेंगे जिससे हमारे पास स्क्रीन का पूरा टर्मिनल बाहर आ जाएगा। उसकी जगह हम नया लगाएंगे यहाँ पर स्क्रीन रिप्लेस करके, नया लगाकर फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे और यहाँ पे वापस से कनेक्ट कर देंगे। अगर सिर्फ कनेक्टर की प्रॉब्लम है तो आप एक न्यू स्क्रीन में न्यू कनेक्टर चेंज करके यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। अगर आपका चल जाता है तो आप सिर्फ कनेक्टर चेंज करके कर सकते हैं। स्क्रीन एंड कीपैड रिप्लेसमेंट वीडियो से इतना ही, मशीन बंद कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।